हेलो फ्रेंड, हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और यह एमसीक्यू जो हैं वह जेबी गुप्ता की बुक से लिए गए हैं और यह एसी सर्किट का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत यह 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में आ रही थी तो आप यह वीडियो देखिए, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए करेंट इज सेट टू बी डायरेक्ट करेंट व्हेन इट्स, यानी एक करेंट अगर आपके पास है तो उसको हम डायरेक्ट करेंट कब कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि एक करेंट है, उस करेंट को आप डायरेक्ट करेंट कब कहते हो। तो देखिए, करेंट आपके पास दो तरह की है, एक आपके पास होती है एसी एंड दूसरी आपके पास होती है डीसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट एंड डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करेंट। तो एसी का जो फिगर होता है वह ऐसे होता है एंड डीसी का जो फिगर आप देखे हो ऐसे होता है। इसका मतलब आप फिगर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आई है, मान लो आई, और यहाँ से यहाँ तक आई इसमें भी है। तो इसमें क्या है कि आई का जो मैग्नीट्यूड है आप देखोगे कि इसको चेंज नहीं हो रहा है, यानी अगर 5 एम्पियर की करंट है तो वह 5 एम्पियर ही है, वह बदल नहीं रही है डीसी के केस में। लेकिन अगर आप एसी के केस में देखोगे तो अगर ये मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है, यानी यह मैक्सिमम मान है 5, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुँचा, फिर 5 से फिर नीचे आ गया। तो इसका मतलब यह है कि एसी में जो करंट होती है वह 0 से लेके पहले मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 तक आती है। ठीक, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह क्या होता है, फिक्स हो जाता है। यानी अगर 5 एम्पियर की करंट है तो वह 5 एम्पियर ही रहेगी, आप टाइम को किसी तरह से भी चेंज कर लो, उसके मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो अब देखिए क्या है मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि डीसी में जो मैग्नीट्यूड होता है वह टाइम के संग चेंज नहीं होता, यानी वह कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर एसी की बात की जाए, एसी करंट की बात की जाए, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वह टाइम के संग चेंज होता है। तो क्लियर है, तो आपको इससे पता चल गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, यानी टाइम के संग जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ए करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट इज चेंजेस इन, यानी किसी करंट को आप अल्टरनेटिंग कब कह सकते हो। तो अल्टरनेटिंग करंट हमने आपको बता ही दिया कि उसका मैग्नीट्यूड टाइम के संग क्या होता है, चेंज होता है। और एक चीज, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। देखिए कैसे, जैसे ये एसी है आपके पास, अभी इस डायरेक्शन में है, फिर अभी नीचे डायरेक्शन में आ गया, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं था, डीसी में उसकी डायरेक्शन जो थी वह क्या हो रही थी, कांस्टेंट थी। उसकी डायरेक्शन जो थी वह क्या थी, कांस्टेंट थी। जबकि एसी सर्किट में ऐसा नहीं है। एसी सर्किट में क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसको हम बोलते हैं एसी करंट। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी, यानी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं उसका क्या एडवांटेजेस है जब हम एसी से मतलब यूज करते हैं, एसी सर्किट यानी एसी से उसको ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं। तो हम डीसी का भी यूज करके कर सकते थे, लेकिन हम डीसी को प्रीफर ना करके एसी को प्रीफर किए, तो इसका क्या एडवांटेज है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसका, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ एसी जनरेटर इज लोअर देन ऑफ डीसी जनरेटर, क्या ये सही है। जी नहीं, कॉस्ट तो आई थिंक दोनों की सेम ही पड़ती है। ठीक है, डीसी जनरेटर हो या फिर एसी जनरेटर हो, क्योंकि उनकी जो कंस्ट्रक्शन होता है वह सेम ही होता है, बस एक चीज़ का डिफरेंट होता है, डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर में एक कम्यूटेटर लगा होता है डीसी जनरेटर में। ठीक, एक कम्यूटेटर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
इसी चीज़ का डिफरेंट रहता है, बाकी और सब चीज़ें जो होती हैं वह सेम होती हैं। तो पहला ऑप्शन आई थिंक सही नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, कंडक्टर ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एसी इन कंपैरिजन टू डीसी फॉर कैरिंग द सेम करंट। यानी अगर आपको सेम करंट कैरी करना है, क्लियर, सेम करंट अगर आपको कैरी करना है तो सेम करंट के लिए डीसी का जो डाया होगा कंडक्टर का वह एसी वाले से ज़्यादा होगा, यानी इसका वेट ज़्यादा होगा या ज़्यादा महंगा होगा या सस्ता होगा, इसके लिए हम एसी यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि करंट जब सेम है, ठीक है, जब देखिए करंट डेंसिटी जे बराबर होता है आई अपान ए, तो आई जब इधर जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा जे इंटू ए, यानी कि करंट आपकी जितनी है उसी के अकॉर्डिंग उसका एरिया डिसाइड होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड होगा। तो करंट अगर दोनों की सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, तो यह पॉसिबल नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका है, लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एसी। एसी के केस में जो हमें इंसुलेशन की रिक्वायर्ड होती है वह हमको कम होती है। ऐसे कैसे आप कह सकते हो? ऐसे नहीं कह सकते ना कि इंसुलेशन हमको कम चाहिए। क्यों कह सकते हैं हम? अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है, अगर हम वोल्टेज ज़्यादा रखते हैं तो हमको इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो इंसुलेशन होता है यह डिपेंड करता है इसी वोल्टेज के ऊपर, यानी वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है जो इंसुलेशन आपका होता है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग हमको इंसुलेशन देना पड़ता है। तो एसी में वोल्टेज ज़्यादा है कि कम है यह चीज़ को नहीं बताया गया है इसमें, तो यह भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ट्रांसफार्मेशन ऑफ वोल्टेज इज पॉसिबल इन केस ऑफ एसी ओनली, यानी वोल्टेज का ट्रांसफार्मेशन कर सकते हैं आप एसी में, तो यह आपका सही होगा। देखिए ट्रांसफार्मेशन का मतलब हो गया कि आप वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं या तो वोल्टेज को आप डिक्रीज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आप वोल्टेज हाई कर सकते हो या फिर उसके हिसाब से आप वोल्टेज लो कर सकते हो। इसलिए हम यूज करते हैं एसी, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एसी करते हैं। डीसी में यह प्रक्रिया मतलब है नहीं, यह प्रोसेस होता नहीं कि आप वोल्टेज को स्टेप अप कर लो स्टेप डाउन कर लो, जबकि एसी में मतलब एसी जो होता है एसी में वह प्रोसेस होता है कि हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो सुटेबल आंसर होगा वह होगा यह ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसफार्मेशन ऑफ वोल्टेज इज पॉसिबल इन केस ऑफ एसी ओनली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करेंट इज, एक साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करेंट का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि फॉर्म फैक्टर क्या है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपका ये फॉर्म फैक्टर का जो है ना पूरा क्लियर ही हो जाएगा क्या है फॉर्म फैक्टर। तो देखिए फॉर्म फैक्टर आपका होता है आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू यानी किसी भी सर्किट का आपसे अगर पूछा है फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू है और एवरेज वैल्यू पता है तो आप फॉर्म फैक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। अब फॉर्म फैक्टर आपका फॉर्मूला आपको पता चल गया कि आरएमएस अपान एवरेज वैल्यू होता है। एसी के केस में आरएमएस वैल्यू आपकी कितनी होती है, एसी के केस की बात कर रहे हैं, तो एसी में जो आरएमएस वैल्यू होती है हमारी वह होती है आई मैक्सिमम अपान अंडर रूट टू, और एसी केस में आई एवरेज कितना होता है, आई एवरेज हमारा होता है आई एम अपान पाई, ये होता है हमारा, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए इतने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तो जब भी अगर आपसे साइनोसाइडल के लिए पूछे, साइनोसाइडल के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वह होता है 1.11। अब देखिए हर एक सिग्नल के लिए जो फॉर्म फैक्टर है यह डिसाइड किया रहता है पहले से कि डीसी के लिए कितना होगा, डीसी के लिए कितना होगा 1 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है तो 1.57 होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो 1.57 होता है, ये याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए
जो फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता, तो 1.57। अगर फुल वेव के लिए पूछ दे, फुल वेव के लिए, तो फुल वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 ही होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा फॉर्म फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। अगर AC के लिए पूछे तो AC के लिए होता है इसका मान 1.11। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछे तो इसका मान होता है 1.57। अगर फुल वेव के लिए पूछे तो इसका मान होता है 1.11 ही होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब फॉर्म फैक्टर आपको डिनोट क्या करता है, तो फॉर्म फैक्टर आपको डिनोट करता है, जैसे फॉर्म फैक्टर कहीं पे किसी भी जगह अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए 1.11, तो इसका मतलब क्या है, आप इससे पता कर सकते हो कि सिग्नल आपके पास कौन सा है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको बताता है कि आपके पास सिग्नल कौन सा है। अगर आपने 1.11 लिखा हुआ देख लिया तो इसका मतलब आपके पास कैसा सिग्नल है, एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है या फिर एक साइनोसाइडल सिग्नल है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कहीं पे 1.57 लिखा हुआ मिल जाए तो आप कहोगे कि यह हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो आपको फॉर्म फैक्टर का अगर वैल्यू दिया हुआ हो तो आप तब भी बता सकते हो कि आपके पास सिग्नल कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 1.11। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 एम्पियर, इट्स अ पीक वैल्यू इज। अब देखिए RMS वैल्यू और पीक वैल्यू, इनका रिलेशन आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पर तो बहुत क्वेश्चन बेस्ड आते हैं कि आपको कभी कभी पीक वैल्यू दे देगा, पीक वैल्यू बोले, ठीक है, पीक वैल्यू या फिर आपसे बोले मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, पीक वैल्यू बोले चाहे मैक्सिमम वैल्यू बोले। आपको इसमें से जैसे RMS वैल्यू दे देगा तो आपसे पीक वैल्यू पूछेगा, अगर आपको पीक वैल्यू दे दिया तो RMS वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ना फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से सॉल्व इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो आप जैसे देखिए आपको दिया है IRMS करंट ही है ना, साइन वेव, IRMS आपको दिया है 100 एम्पियर। अब आपसे कह रहा है कि इसका पीक वैल्यू निकालो, तो पीक वैल्यू आपसे पूछा है, पीक वैल्यू, बस आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका होता है IP बराबर या फिर IM बराबर अंडर रूट IRMS, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आपसे पीक वैल्यू पूछा है, पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 टाइम्स IRMS, तो अंडर रूट 2 IRMS आपको 100 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, यही होता है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 141 आंसर मिल जाएगा, 141 एम्पियर आपको मिल जाएगा। और यह जो 141 होगा यह आपका क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगी, मैक्सिमम वैल्यू की करंट होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है आपका 141 एम्पियर। तो इसमें आपको ज़रूरी ये है कि आपको फॉर्मूला याद हो, और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको दिया क्या है। RMS कभी कभी दिया है तो पीक पूछ लिया, कभी कभी गलती हो जाती है इसमें ना, कि जैसे आप फॉर्मूला लिख लिए, गलती क्या होगी, जैसे आपने IP बराबर IRMS ये फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा कि आई पीक दिया हुआ, बस डायरेक्ट आप ला के डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाता है ये, और ये ऑप्शन में पहले ही दिया रहता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, तो इन गलतियों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्वेश्चन को आप हमेशा थोड़े टाइम के लिए होल्ड रखिए, क्वेश्चन में देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि पढ़े तो सभी लोग होते हैं, कुछ लोग हैं क्वेश्चन को होल्ड नहीं कर पाते। जब आप क्वेश्चन को होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप क्या करते हो, गलती करके आते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा था, कभी भी आप एग्ज़ाम दे के आओ तो उसके बाद आपको लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गलती कर देते हो जिसका कोई चांस ही नहीं था कि आप इसको गलत कर सकते थे, तो आपने उसको भी गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऐसी गलतियों से आप बचिए। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो हमको ऐसी गलतियों से बचना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव फॉर्म सोन इन द फिगर। यानी यह जो फिगर आपको दिखाया गया है, इस फिगर में आपसे पूछ रहा है कि RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू क्या होगी। अब इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है, आपको क्या चीज़ पता है,
ठीक है, तो देखिए फिगर में आप देख रहे हो तो आपको एक 100 वोल्ट में दिख रहा है जो कि पीक पे है, यूं बना हुआ है आपके पास, यूं बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको 100 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, और उसके नीचे भी -100 वोल्ट, यानी कि ऊपर 100 वोल्ट और उसके निगेटिव में -100 वोल्ट, ठीक है। पीक टू पीक अगर आपसे पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए तो आपकी पीक वैल्यू 100 वोल्ट दी हुई है। अब आपको ये ध्यान देना है ना कि आपके पास ये जो सिग्नल है ये सिग्नल कौन सा है, ठीक है। अगर आपने इस सिग्नल को ध्यान दे दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप जैसे ही देखोगे ना, यह सिग्नल जो आपका है यह आपका है स्क्वायर वेव। कौन सा है? स्क्वायर वेव है, ठीक। और स्क्वायर वेव के लिए, ठीक है, स्क्वायर वेव के लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू वह हमेशा पीक वैल्यू के क्या होती है? बराबर होती है। याद रखिएगा कि एक स्क्वायर वेव के लिए आपका जो आरएमएस वैल्यू होती है वह पीक वैल्यू के बराबर होती है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का आप देखोगे सिग्नल ऐसा है, फिर इतनी दूर के बाद फिर ये सिग्नल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल आपका कौन सा बन गया? साइनोसाइडल तो है ही, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों डायरेक्शन में चेंज तो हो ही रहा है, सिमेट्रिकल भी है, ठीक है, सिमेट्रिसिटी कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है, तो सिमेट्रिकल भी है, जिसके कारण इसका आपसे पूछा है आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, 100, तो इसका आरएमएस वैल्यू जो होगी वह होगी 100 वोल्ट। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर वेव के लिए पीक वैल्यू जो होती है वह आरएमएस वैल्यू के बराबर होती है। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, द करेंट थ्रो ए रजिस्टर हैज ए वेव फॉर्म एज सोन इन फिगर, द रीडिंग सोन बाई ए मूविंग क्वाइल अमीटर विल बी एम्पियर। अब देखिए, अब आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपको देखना है कि अब ये आपका फुल वेव है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। देखिए जब फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो डायोड आपके होते हैं वह क्या होते हैं? दो होते हैं। एंड हाफ वेव में आप जब भी देखोगे तो जो नंबर ऑफ डायोड होता है वह कितना होता है? एक होता है। यानी कि सिर्फ पॉजिटिव में ही, जैसे आपने एसी सिग्नल दिया, ठीक, एसी सिग्नल दिया, तो सिर्फ इस पॉजिटिव साइकिल के कारण ही करंट का फ्लो होता है या फिर वह डायोड क्या रहता है? ऑन रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास एक डायोड है, ठीक, ये डायोड का सिंबल ये है, ठीक, ये रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है। जैसे ही आपने इसके बीच में एक एसी सिग्नल दिया तो एसी सिग्नल के कारण जो वेव फॉर्म आपका अब बनेगा सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए बनेगा, फिर निगेटिव आपका कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में यह डायोड जो होगा वह किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस में डायोड जो होता है वह कंडक्ट नहीं करता है। तो इसलिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है यह हाफ वेव रेक्टिफायर का दिख रहा है। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि एक डायोड ये आपका है और इसके संग एक डायोड ये भी है, ठीक, तो ये रेजिस्टेंस इसके संग कनेक्ट है। जैसे ही आप इसमें एसी देते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में हमारा डायोड D1 कनेक्ट, मतलब कि कंडक्ट करेगा, और निगेटिव साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप आपका एक डायोड कंडक्ट करेगा, दूसरा नहीं कंडक्ट करता, एक करता है तो दूसरा नहीं करता, ऐसा रहता है जब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फिगर बनता है वह फिगर हमारा बनता है यूं, ठीक, यह D1 के कारण हो गया, यह D2 के कारण हो गया, यह D3 के कारण हो गया, ऐसे। यानी आपको जो स्पेस ये दिख रहा है ना, यह फुल वेव रेक्टिफायर में स्पेस आपको नहीं दिखेगा। तो आप फिगर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास जो फिगर है वह कैसा है, वह आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का है। क्लियर, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो उसके लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है उसके लिए अलग होती है, और फुल वेव के लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो अलग होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीडिंग सोन बाई ए मूविंग क्वाइल अमीटर। मूविंग क्वाइल अमीटर का मतलब हो गया कि PMMC इंस्ट्रूमेंट द्वारा यह मेज़र किया जा रहा है। तो पहली चीज, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल होता है वह वर्क करता है सिर्फ DC पर, वह वर्क करता है सिर्फ DC पर, और यह मेजर करता है एवरेज वैल्यू। यह मेजर करता है क्या? एवरेज वैल्यू को मेजर करता है।
क्लियर है। अब देखिए, हमें इतनी चीज़ें पता चल गई कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वह डीसी पर वर्क करेगा और यह मेजर करेगा सिर्फ एवरेज वैल्यू को। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वह क्या होती है, और एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वह क्या होती है। क्लियर। तो देखिए, जब फुल वेव की बात की जाए तो उसके जो एवरेज वैल्यू होती है वह होती है 2 Vm अपान पाई। अगर हाफ वेव हो तो सिर्फ Vm यानी वोल्टेज के रूप में हो तो Vm अपान पाई, अगर करंट है तो 2 Im/π एंड Im/π ये चीज़ होती है। तो आपको हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मेन है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए बस आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो 5 एम्पियर करंट सोर्स है, यानी मैक्सिमम करंट कितनी है 5 एम्पियर, तो 5 अपान पाई। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखिए, अगर आपसे अल्टरनेटिंग करंट का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए एवरेज वैल्यू, तो अल्टरनेटिंग करंट जितना पॉजिटिव में है उतना निगेटिव में, दैट्स मीन जीरो। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो एवरेज वैल्यू है वह जीरो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये 50 Hz AC वोल्टेज इज मेजर्ड विद ए मूविंग आयरन वोल्टमीटर एंड ए रेक्टिफायर टाइप AC वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द मीटर रीडिंग आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली एंड द मीटर्स आर फ्री फ्रॉम कैलिब्रेशन एरर देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ द AC वोल्टेज मे बी एस्टिमेटेड एज। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक 50 हर्ट्ज की जो AC सप्लाई थी वह आप दे रहे हो मूविंग आयरन वोल्टमीटर को, ठीक है। तो पहली चीज, MI इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द DC एंड AC। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वह DC पे भी काम करता है और AC पर भी काम करता है। क्लियर है। उसके बाद इसको हम पैरेलल में कनेक्टेड किए हुए हैं एक रेक्टिफायर टाइप AC वोल्टमीटर से, एक रेक्टिफायर टाइप AC वोल्टमीटर से दोनों कनेक्टेड हैं। तो अगर जो मूविंग आयरन था उसका जो वोल्टेज था वह V1 था एंड सेकेंड वाले का जो वोल्टेज था वह V2 है, यानी रेक्टिफायर टाइप, तो इनका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, फॉर्म फैक्टर आपके पास जो होगा, फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। क्लियर। फॉर्म फैक्टर जो होता है वह RMS वैल्यू होगा और अपान एवरेज वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी इसकी बात ना करें, चलिए देखिए। अब देखिए, दो इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं, यह आपके पास है एक मूविंग आयरन MI इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंड आपके पास है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में, इसका मतलब जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज दोनों के यहाँ सेम होगा कि नहीं होगा, दोनों के यहाँ वोल्टेज सेम होगा। अब यह जो मेज़र करता है किसको मेज़र करता है, यह मेज़र करेगा आपका एवरेज वैल्यू को। क्यों? क्योंकि यह रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यह DC पे काम करेगा, तो यह एवरेज वैल्यू को मेज़र करेगा एंड यह आपका जो मेज़र करेगा यह मैक्सिमम वैल्यू एंड RMS वैल्यू को मेज़र करेगा, मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू को मेज़र करेगा। क्लियर। तो बस आपको RMS वैल्यू पता चल जाए और ये पता चल जाए, ठीक, तो आपको अब जो मिलेगा यानी V1 अपान V2, यह जो आपका है ये एवरेज वैल्यू है तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, ये अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके लिए हो जाएगा 1.11 V1 अपान V2। तो आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो, V1 अपान V2 का मतलब यह V1 जो है यह मैक्सिमम वैल्यू है और नियन V2 जो है यह क्या है आपका एवरेज वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है, RMS वैल्यू होता है फॉर्म फैक्टर के लिए। तो फॉर्म फैक्टर के लिए जो RMS वैल्यू होगा 1.11 V1 अपान V2। क्लियर है। तो आंसर आपका यह वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर B। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो RMS वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो कितना होगा। देखिए, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है। अब देखिए, अब यह जो है ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा है,
तो थोड़ा सा आप ध्यान से बस इसको लगाइए, आरएमएस वैल्यू आपसे पूछा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सिमेट्रिकल है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी आपके पास है, तो जैसे करंट का मैग्नीट्यूड सपोज हम ऐसे करते हैं, ये करंट है, करंट यहाँ से आपका जो मैग्नीट्यूड है वह 2 एम्पियर का है, ठीक 2 एम्पियर का है। उसके बाद जब इसका हम फुल वेव बनाएंगे तो फुल वेव के लिए आपका ऐसे बनते हुए आएगा, ऐसे फुल वेव के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप हाफ वेव यूज करोगे, हाफ वेव, तो हाफ वेव में आपका सिर्फ एक ही लगा होगा, जैसे ये आपके पास करंट है 2 एम्पियर की करंट है, ठीक है, सपोज ये 2 एम्पियर की करंट है जो दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 एम्पियर की करंट है, तो इसका एक हाफ साइकिल में तो काम नहीं करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर इस साइकिल में काम करेगा, फिर उसके बाद ऐसे काम करेगा, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक काम नहीं करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक काम नहीं करेगा, सिर्फ आपको इतना बताना है कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो आरएमएस वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है, जैसे अब देखिए फिगर के हिसाब से, अगर जैसे आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर था, यूं बनाए, यूं आए, यूं, ठीक, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो -t/2 से t/2 तक जा रहे हो, क्लियर। जब आप क्या कर रहे हो, जब आप फुल वेव ले रहे हो, लेकिन जब आप हाफ वेव ले रहे हो तो हाफ वेव में आपको क्या होगा कि ये वाला पोर्शन तो आपका कट हो गया, सिर्फ इस पोर्शन को लेंगे फिर कट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यानी आप 0 से लेके t/2 तक जा रहे हो, क्लियर। ये चीज़ ना, 0 से लेके t/2 तक आप जा रहे हो, बाकी जो हाफ पोर्शन था वह क्या हो गया, कट गया, हाफ पोर्शन कट हो गया। तो जब हाफ पोर्शन कट हो गया तो आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन वाला मेथड लगा दो, 1/t 0 से लेके t/2 करंट का स्क्वायर, करंट आपका 2 एम्पियर है तो 2 स्क्वायर इंटू टी यही होता है। अब देखिए तो 1/t इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर t/2 -0 कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लगाए होगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट आपका कितना है t/2 है, ठीक, t/2 इंटू -0, तो बाकी सब 0 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो गए। अब देखिए टी से टी कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये आई आर एम एस का रूट मीन स्क्वायर आया है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर आया, तो जब रूट मीन स्क्वायर आ गया तो आई आर एम एस जो आपका होगा वह होगा √2, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर बराबर 2 आ गया तो आई आर एम एस आपका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज UT = 3+4cos3t इज। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आए आपको ना, तो ऐसा क्वेश्चन में आप हमेशा देखिए ये जो है ये आपका मिक्स्ड है, यानी इसमें DC कंपोनेंट भी है प्लस AC कंपोनेंट भी है, तो जब भी DC और AC कंपोनेंट दोनों साथ में मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जब भी आपसे RMS वैल्यू पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है IRMS, जैसे करंट पूछा है आपको IRMS बराबर होगा √DC का स्क्वायर प्लस AC RMS स्क्वायर, क्लियर है। जब भी आपसे पूछे फॉर्मूला आपको यही लगाना है, जब दो कंपोनेंट यानी एक AC का भी हो और DC का भी हो, तब के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा लगाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि DC का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा, DC का स्क्वायर प्लस RMS का स्क्वायर होगा जो उसका मतलब, अभी जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला देख लिए, तो यह 4 जो है RMS वैल्यू नहीं है, यह कैसी वैल्यू है, यह मैक्सिमम वैल्यू है, यह कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर नहीं करना हमको, RMS वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो देखिए तो इसके हिसाब से जब निकालेंगे तो IRMS बराबर √3 का स्क्वायर प्लस RMS इसका कितना होगा, यहाँ पे RMS निकालेंगे तो मतलब 4/√2 होगा, यही फॉर्मूला होता है ना कि आई पीक बराबर √2 IRMS, तो IRMS बराबर IPeak/√2 यही होता है, ये फॉर्मूला आपको निकल के आएगा, सॉरी ये मतलब आपको निकल के आएगा, तो ये बस आप रख दो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ठीक यही होगा। अब उसके बाद तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा प्लस 4/√2 4 का स्क्वायर 16/2 यही होगा ना, 2 से 2 कट जाएगा 2/8 16, तो √9 प्लस 8
बराबर कितना होगा 17, अंडर रूट 17। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अंडर रूट 17। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। चाहे जितना भी दिया हो और भी दे दिया हो तब भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट दे दें, क्योंकि डीसी का तो एक ही देगा और एसी वाले कंपोनेंट बढ़ा देता है, तो जब भी बढ़ा दे घटा दे उससे हमको नहीं मतलब है। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।